मैं तुम्हारी पॉकेट मनी से जितने पैसे जमा होंगे उतने में अगर बैठ आएगा तो मैं बताऊंगा, मैं अपने पास से कोई पैसे ऐड ऑन नहीं करूंगा। अगर तुम्हारी पॉकेट मनी 500 से मिला तो मैं लूंगा। शादी भी तो करनी है, नहीं करनी फराज है, इसको तो करनी है नहीं, तुझे तो करनी है ना शादी। मैं तो करनी है। कितने का ही? 750 रुपए का ये मंसूर। चलो आगे देखें क्या कम में मिल जाए। कितने का है ये? तो बहुत महंगा है, 1300 रुपए का। 1300 का है भाई, और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीस है। रख दो, चलो आगे देखें। आ जाओ। नहीं मिल रहा है मत को, बेड नहीं मिल रहा। सिग्नेचर भी होगा अफरीदी के। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो सो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर को 1 बजे। मंडे का दिन स्टार्ट हो चुका है भाई, अहमद को स्कूल से लेकर आ गया हूँ। 1 बजे यूं स्टार्ट करूंगा, जाहिर बात है आपको जैसा पता है कि भाई वर्किंग डे स्टार्ट हो गए, शादियां खत्म हो गई, काम शुरू हो चुका है। हफ्ते का जो काम था वो जो रह गया था भाई, वो मुझे करना था, उस दिन नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं जारी बात हूँ डॉक्टर के पास जाने भी तो फिलहाल ये की बजाय। और अहमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अहमद और मैंने आज एक सेम शलवार कमीज पहना हुआ है, और माशाल्लाह माशाल्लाह अहमद ने भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ना शुरू कर दी है भाई, माशाल्लाह गुड हो गया भाई, गुड हो गया। कंटिन्यू रखना नमाज है ये। बस ये कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, और मोबाइल लेके मैं नहीं जा सकता हूँ इस वजह से कि भाई मेरी वीडियो अपलोडिंग पे लगी हुई है। सही है, अपलोडिंग पे अगर वीडियो लगी हुई हो तो भाई आप मोबाइल नहीं ले जा सकते हैं बार बार। आज बैट देखने चलेंगे। कौन सा बैट? नहीं देखने चलेंगे, लेंगे नहीं खाली लेंगे। बेटा बहुत महंगा बैट है, अगर सस्ता हो देखेंगे, लेकिन महंगा हो तो नहीं ले सकेंगे यार, समझा करो बात को। हालात बहुत टाइट है यार। चल झूठा, कोई हमें इतना सब्सक्राइब कर रहा है, इतना व्यू दे रहा है, तो भाई समझा करो ना यार। तुम यार सब्सक्राइब शौक तो है, लेकिन जाहिर सी बात है मेहनत का इंसान को फल तो चाहिए होता है ना यार। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, जिनके पास मैं नहीं जा पाया था हफ्ते को, कुछ काम है वो करके आते हैं, और फिर आप लोगों से बातें शातें करते हैं, कुछ वीडियो के हवाले से बातें शातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, कुछ गिले हैं, कुछ शिकवे हैं, जो आप लोगों से सारी बातें इंसान शेयर करता है, आप लोग हमारी फैमिली। तो एनीवेज अभी चलते हैं और करके आते हैं काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से यार। अ फ्यू इंचेस लेटर। तो वेलकम बैक गाइस, मैं आ गया हूँ भाई अपने काम वाम माइंड अप करके, सारे काम तमाम कर करा के डॉक्टर से मैंने मिला के मैं ले जाके घर पर आ गया हूँ भाई मैं। तो वो फाइनली तुम भूले नहीं डरो यार, देखें यार बैट के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों नहीं भूले? तुम भूल जाना चाहिए था। तुम्हारी पॉकेट मनी कितनी हुई हुई है जमा? 500। मैंने तो 600 गिनी थी तुम्हारी पॉकेट मनी। अच्छा अच्छा 500 है। तो भाई मैं इसको लेके जा रहा हूँ स्पोर्ट्स की शॉप पे। बात सारी ये थी कि भाई ये मेरे पीछे पड़ा हुआ, कल से मुझे बैट चाहिए, बैट चाहिए, बैट इसके पास है लेकिन वो टूट गया है। तो मैंने इसको बोला भाई तुम्हारी पॉकेट मनी से पे जितने पैसे जमा होंगे उतने में अगर बैट आएगा तो मैं दिलाऊंगा, मैं अपने पास से कोई पैसे ऐड ऑन नहीं करूंगा। तो इसके पास हुए थे 600 जमा, 100 रुपए ये खा गया था, बचे हैं 500। और मेरे हिसाब से 500 में बैट मिल जाता है बच्चों का। देखिए ये वाला बैट था, यहाँ से टूट गया, इतने इतने जोर से धम 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 मारता है। जब मैं अपनी अकेडमी में ना ये बैट लेके गया था, तो अकेडमी में भाग भाग घिस घिस के वहीं पे गिर गया था अकेडमी। तो वहीं टूटा है ना अकेडमी में। हाँ, तो ये बैट का टूट गया था। आप देखते हैं भाई, अगर 500 में इसका बैट मिल गया तो भाई लेंगे, अदरवाइज नहीं मिला तो नहीं लेंगे। तो भाई तमाम बच्चों के लिए मैसेज है भाई, अपनी पॉकेट मनी जमा करें और अपनी पॉकेट मनी से ही चीजें लिया करें, अपने पेरेंट्स को तंग मत किया करें, क्योंकि भाई आजकल बच्चों बहुत महंगाई हो रही है, बहुत ज्यादा हालात खराब है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। तो भाई जो आपके पेरेंट्स आपको देते हैं, जैसे हम अहमद को देते हैं, अहमद कितने पैसे देता है रोजाना के? 50 रुपीज 50 रुपए रोजाना के अहमद देता है जो जमा होते हैं, उसमें से खा भी जाता है, तो बचते जो भी है ये उसमें से कोई ना कोई चीज जाके लेकर आया था। अभी जैसे कि इसमें इसके पास सिर्फ 500 बचे हैं, बाकी ये खा पी गया। 500 में देखते हैं बैट मिलता है या नहीं मिलता। तो बच्चों अपनी पॉकेट मनी से चीजें लिया करो भाई, ठीक है? बोलो ले लिया करो। चलो भाई यार अहमद को लेके चलते हैं भाई स्पोर्ट्स की शॉप पे, और दिखाते हैं भाई इसको बैट वगैरह। अगर लेकिन मैं अहमद फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी पॉकेट मनी 500 से मिला तो मैं लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। नहीं नहीं नहीं, तो देखते हैं ना, आप देखते हैं अहमद की वक्त चेक करते हैं, अहमद को 500 में बैट मिलता है या नहीं मिलता। वैसे मेरे हिसाब से मिल जाएगा, उसमें बहुत पॉजिटिव होती है वहाँ पे। इसमें कौन सा बाहर खेलना है, इसको तो घर पे खेलना होता है, घर पे परफॉर्म है, घर पे खेल रहा होता है। मेरे साथ जब कोई आया तो खेलता है तो बाहर तो खैर जाता ही नहीं है। ये मेरा दोस्त जो है ना फराज, अपनी फुल हार्ले डेविड निकाल रहा है, माशाल्लाह से क्या आ रहा है यार, 3 हज़ार पे अच्छा खैरियत काम है वो। क्यों ना, ओहो भाई अब तो देख ले साजिद कुरैशी ना बन जाए बहुत। मेरा इज्जत दे बंदे ने चैलेंज किया।
तीन जाना वहां से सही है और दम दुरूद। नहीं मैं ग्रीन टी का बॉक्स मेरे हाथ की ग्रीन टी पिए इंशाल्लाह। अच्छा भाजी पर और गुड़ 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 डालूंगा। अरे आप, अरे सौदा नसीब आप करें। ये भाई भाई को लेके जा अपने। तू इतनी गर्मी में तूने अब निकाला है ये गजब बेइज्जती है। पहना हुआ था ये तू तो वही बोलूं नया तो लंबे रूट के लिए। लंबे रूट के लिए नहीं लंबा रूट है ये काम। अच्छा है फराज भाई का। उठो साजिद कुरैशी के बाद बैठ जाओ। शादी भी तो करनी है। नहीं करनी फराज है पता इसको। इसको तो करनी है नहीं। तुझे तो करनी है ना शादी। आप इसको गाड़ी भी खरीदनी है फिर ये। चलो खैर है अच्छी बात। मामला फराज के पास बहुत सारे हैं। फराज इधर देख सब मामला बहुत हैं। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। चलो भाई ये हमारे दोस्त हैं भाई। A few inches later भाई अहमद आ गया स्पोर्ट्स की शॉप पे करीमाबाद बैट देखने के लिए। किसके साइज से कौन से बैट हैं? ये तो बड़ा है। नहीं ये वाला जो ये वाला ये देखो अहमद खेल के देखो साइज सही आ रहा है। नहीं है बेटा तो तुम्हें घर पे तो खेलना होता है। तुम कौन सा बाहर खेलते हो दिखाओ। हल्का कितना अच्छा है ना यार पकड़ना। कितने का ये वाला? ये 750 रुपये का। ये 900 रुपये ना महंगा भाई। देखें अहमद की पॉकेट मनी हुई भी जमा 600 रुपये और बैट ये दे रहे हैं तकरीबन 900 रुपये का बड़ा अहमद की भाई बड़ा। आगे देखते हैं। चलो ये भी टूटा हुआ बैट है देखो। कम वाला नहीं है। कितने तक का चाहिए? इसके पास सिर्फ 600 रुपये है इसकी पॉकेट मनी। हमने इसको बोला तुझे हम पॉकेट मनी से लाएंगे पकड़ना तो मैं तो वही आएगा जो आपका है वो छोटा वाला। और ये जो है ये सारे बड़े साइज के होते हैं। ये कम से कम आपको 750 रुपये का पड़ जाएगा। चलो आगे देखें क्या बड़ा कम में मिल जाए। चलो आ जाओ अहमद का टास्क है भाई इसकी पॉकेट मनी से 600 रुपये 600 रुपये में लेना 100 रुपये 750। चलो आ जाओ देखते हो। देखो ये बैट भाई बैट दिखाना इसको यार। इसको बैट दिखाओ इसके साइज का। ये तो बहुत महंगा है मत 1300 रुपये का। 1300 का है भाई और तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीज़ है। इसके पास पॉकेट मनी में सिर्फ 500 की पॉकेट मनी से लेना है। रख दो चलो तो आगे देखें आ जाओ भाई। तो अभी तो देखते ना अभी तो 100 रुपये 1300 रुपये का आ रहा है। 100 रुपये थोड़ी मिलाने। यहाँ देखो यहाँ देखो बैट की क्या कीमत है अंकल। यहाँ कम वाला 1000 से कम वाला है कोई 800 रुपये से कम में नहीं है। क्या कह रहे छोटे साइज के ना इसके तो साइज का नहीं है ना ये। कौन सा देखना जरा ये ब्लू वाला देखो छोटा है वो ये तुम्हारा जो तुमने जो तोड़ा था अभी जो तोड़ा था ना थोड़ा जो टूटा हुआ वाला है ना इससे थोड़ा बड़ा साइज नहीं मिलेगा। हाँ देखे अहमद के पैसे में नहीं मिल रहा है भाई बैट। 100 रुपये का 800 रुपये का 600 रुपये साइज छोटा हो जाएगा। 600 वाला कौन सा है? ये तो देख कर आ रहा है ना यार वो वही नहीं मिल रहा है अहमद को बैट नहीं मिल रहा। देखते हैं देखते हैं चेक करो ये 1000 रुपये अच्छी लकड़ी का नहीं तो तुम बैट दे दो बस को चाहिए। दिखाओ इतना महंगा है भाई लेकिन छोटा नहीं है ये। अरे सही है मेरे पास यही तो इससे अच्छा है। अच्छा है 1000 रुपये का लेकिन भाई 1000 रुपये तो है नहीं वहाँ पर क्या करें। चलो तो आगे देखें आपको इसके लास्ट 800 लगा दूंगा भाई। किस पे हल्के वाले भी बैठे हल्के वाले कौन से दिखाओ। ये साइज तो ये नहीं है ना छोटा है वो बराबर तो है मत चेक करो। ये सही नहीं है ये कितने का? 700 सिग्नेचर भी होगा अफरीदी के। ये रे क्या करें अगर आगे जाके अच्छा नहीं लाना तो ये चलो सही इस पे नहीं साइन नहीं मिलेगा इतनी महंगाई हो गई 500 रुपया कहीं बैट मिलेगा नहीं ना। अहमद साहब को एक बैट पसंद आ गया ये वाला लेकिन इसके रेट जो है ना 800 रुपीज़ के रेट है इसके लेकिन अहमद साहब के पास है 500 रुपये। क्या करें अब मेरा 100 रुपये आप खा चुके हैं समझे। अभी हम घर से बोल कर रहे थे कि बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए और अपनी पॉकेट मनी से देना चाहिए। तो फिर 300 तुम्हारे नेक्स्ट मंथ में काट लेंगे सही है पक्का डन है यार। कुछ मुनासिब कर लो यार करके बताएं। 800 रुपये का मिल रहा है यार
और तुम्हें सिर्फ घर पे खेलना है, तुम्हें बाहर नहीं निकलना बता रहा हूँ। बाहर निकलोगे नहीं तुम घर पे खेलोगे इतने बड़े बैट से। चलो ले लो। तुम्हारे घर पे छोड़ दिया भाई बैट लेके, और लेकर आने आगे बच्चों के लिए प्राइस वगैरह। जी भाई प्राइस दे दें सर, भूख लग रही थी यार, मैंने सोचा एक अंडे वाला बर्गर ही पकड़ लो। तो बस अंडे वाला बर्गर दे दो, अब निकलते हैं घर पे, मगर इसकी आजादी होने वाली। सारा सामान वामान लेकर मैं आ गया, खाने पीने का सारा, नाश्ते वास्ते का सब, दूध वो सब भी लेकर आ गया, इंचन एवरीथिंग। अहमद को बैट दिला के मैंने घर पर छोड़ दिया था, मगरिब की अजान हो गई, अब मैं जाऊँगा मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। दैन फिर मैं आपको मिलता हूँ आके चाय पे। अहमद ओपन द डोर। लगा पड़ा है बैट से पागल आदमी। इमेजिनेशन शॉट, इमेजिनेशन शॉट मारते हो तुम, है ना। ये देखिए शक्का हो गया बेटा, मगर के अदानों की नमाज नहीं पढ़नी, नमाज पढ़ो। चलो भाई, जब मैं बैट खरीद रहा था ना, तो मुझे भाई चाट नजर आई, छोले की चाट, तो मैंने बोला यार चाट भी ले लो घर के लिए। बाहर मैंने मोबाइल नहीं निकाला, क्योंकि वो मेन रोड पे खड़ा हुआ था करीमाबाद में, आपको पता ही है, तो भाई मोबाइल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपका भाई बड़ी लेवल की चटपटी सी कोई चाट लेकर आई है, बर्गर तो मैंने ले ही लिया था, और ये इसके साथ पापड़ी भी दी। तो एनीवेज यार चाय वाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। भाई खाना वाना खा के हम लोग हो गए फारिक, और फ्री होते ही अहमद साहब ने फिर से एक फरमाइश कर दी यार, सुबह स्कूल के लिए कुछ लंच ले जाने के लिए नहीं है कुछ टाइम है, 10:30 बताने का। तो अहमद क्या लाऊं सुबह लंच के लिए तुम्हारे, यार बता दो मुझे। बनाना ले आऊं? नहीं, बनाना या सैंडविच वगैरह दे देता हूँ, वो तुम सुबह ले जाना चाहिए। और कल मुझे नगेट्स का याद दिलाना ताकि मैं नगेट्स लेकर आ जाऊँ। पहले यार बस के लिए लेकर आते हैं लंच वगैरह, और बाइक वगैरह भी अंदर करते हैं, और भाई मुझे भी शदीद नींद आ रही है, तो आगे ये ब्लॉग बनाना नहीं देता मुझे। ये गिर जाओगे, मैं जा रहा हूँ। फिलहाल लंच वगैरह लेकर आता हूँ, और तो बाइक अंदर करते हैं, और फिर अभी सोते हैं, नींद शदीद आ रही मुझे भी, क्योंकि शादियाँ खत्म होने के बाद ऐसी थकान हो रही है, इससे पता नहीं हम कहीं से टूर कर आ रहे हैं आउट ऑफ सिटी, हम कहीं नारायण कागान कहीं गए हुए थे कश्मीर वगैरह, ऐसी थकान हो गई शादियां खत्म होने के बाद, पत्नी क्या सुकून मिल गया यार जिंदगी में, रिलैक्स हो गया बहुत ज्यादा ना। 8 दिन लगातार जाना, सुबह उठते ही चक्करबाजी में जाना, अस्थियां करना, फिर 5 बजे ये वो, 10 पंचायतें हो गई थी यार, बहुत शुक्र हो गया लगा शादियां खत्म हो गई, जान चली है। अहमद के लिए सुबह लंच का सामान वामान लेकर मैं आ गया हूँ भाई, और तो सुबह आज का भाई यही हमने ब्लॉग बनाया घर घर का, जो आप बनाया था भाई वो आप लोगों को शेयर कर दिया, क्योंकि भाई शादी की वजह से इतनी थकान हो गई थी कि यार कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरी। बस ये कि जो जाहिर बात है डेली रूटीन का मतलब यही होता है ना, कि जो आप कर रहे हैं वो आप दिखा रहे हैं, कि जो भी मैंने किया वो शूट करके आप लोगों को जाहिर बात है आप लोगों को शेयर कर दिया। बाकी ये कि कल क्या मैं सोच रहा हूँ यार, हिरासत मैंने डिस्कस किया है अहमद के साथ, एक चैलेंज करते हैं इग्नोरिंग चैलेंज ना, अहमद को कल ना 4-5 घंटे या 8-10 घंटे के इग्नोर मारेंगे, देखें अहमद को इग्नोर कर पाते हैं नहीं कर पाते, और अहमद का क्या रिएक्शन आता है। तो करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाद में मिलता हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। कल स्कूल जाना है, जल्दी से चले जाओ सोने के लिए। सर्कस आइए आइए, ये देखो पहले से आ गया मिस्टर सर्कस, ये मंकी ने सर्कस कर दिया मुस्तफा। सोने से पहले की मस्तियाँ होती हैं रोजाना, जो इन दोनों को करनी होती है। ये भी करेंगे, अहमद ने किया और मुस्तफा ना करेंगे, हो नहीं सकता। अहमद यार सो जाओ, कल स्कूल जाना है मुस्तफा। चलो बस, वाह भाई वाह, जबरदस्त, किसी को भी नहीं आती करनी। ये देखिए मुस्तफा कैसे कर रहे हैं, सोने की नहीं कमरे में लेकर आई थी, ये दोनों देखें क्या कर रहे हैं। अरे इसकी एक एक बड़ी अच्छी है, दिखाऊं कैसे? हेलो मुस्तफा करो, बड़े बच्चे आ गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, हमारे घर में रात को 12:30 बजे बारह शुरू होता है, ये कहीं काट लो। चलो पैकअप करो, पैकअप।